सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो जो हम देख रहे थे कि दिवाली बीत चुकी है, उसके बाद भी आतिशबाजी का दौर जारी है। ये आतिशबाजी फटाखों की आतिशबाजी नहीं है, ये आतिशबाजी है बयानों की, और बयानों की आतिशबाजी भी इस समय सरगर्मियों को बनाए हुए है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उसके चलते लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, यानी बयानबाजी के जरिए आतिशबाजी जारी है, और तमाम तरह के आतिशी बम बयानों के माध्यम से फोड़े जा रहे हैं। अगर आज के मुद्दे की बात करें तो आज का जो बयान, महत्वपूर्ण बयान दिया है, वो दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और एक बयान को देकर उन्होंने नई राजनीतिक सरगर्मी शुरू कर दी। बयान ऐसा कि जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, पर आरोप प्रत्यारोप का आधार भी बनाना बहुत जरूरी हो गया है। आधार कैसे बनाए, क्योंकि बयान इस तरह का है। खैर, बयान मैं बता दूं, उन्होंने बयान ये दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, गिरती जीडीपी को संभालने के लिए हमको जो हमारी भारतीय करेंसी है, जो नोट है, उसके एक तरफ तो गांधी जी हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा है लक्ष्मी जी और गणेश जी की आप फोटो लगा दीजिए, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो गिरती चली जा रही है वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया में गणेश जी की फोटो है नोट पर, और ये वहाँ जब वहाँ लगा सकते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं, और उन्होंने कहा इसको लिए वो केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेंगे। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। समीर पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी, उन्होंने कहा कि केजरीवाल का ढोंग है ये, गुजरात और हिमाचल चुनाव से पहले केवल ढोंग कर रहे हैं अपने हिंदू छवि का, ये हिंदू होने का दावा कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, ये भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जिस स्वास्तिक में झाड़ू वाले जो चित्र पर हंस भी चुके हैं, राम मंदिर नहीं जाऊंगा ऐसा ये वीडियो भी मैं बयान भी दे चुके हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि केवल और केवल अब चुनाव को देखते उनकी ये भक्ति नजर आने लगी है, इनके ये और इनके विधायक मंत्री स्वयं देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं, और केजरीवाल को उनको केवल निलंबित करके खाना पूर्ति करते हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा के ही मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल कालनेमी है, कालनेमी कहते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने के मुंह में राम है, बगल में छुरी है, इस तरह के बयान दिए हैं, और इस बयान पर सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। सपा ने प्रतिक्रिया जाहिर की, उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, और इस तरह से नोट के पीछे छापने से क्या मतलब है, और अपने आप को हिंदू चर्बी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, ये बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है, और धीरे 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 करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे।
इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज़्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से, केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। अरविंद केजरीवाल वो काल नेमी की तरह है, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे में इनका विश्वास नहीं किया जा सकता ये क्या कह रहे हैं। अगर सही मायने में आप इस बात पे गंभीर हैं कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आनी चाहिए, तो आपको तुरंत अपने मंत्री इमरान हुसैन से और अमानतुल्ला खान अपने विधायक से इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी चाहिए, ताकि ये पता किया जा सके कहीं आप सिर्फ राजनीति तो नहीं कर रहे हैं इस पे। और दूसरी चीज, जो आपके मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश सबके अस्तित्व पे ही प्रश्न उठाते हैं, उनको तुरंत आपको अपने पार्टी से सस्पेंड करना चाहिए। तब हम समझेंगे कि अरविंद केजरीवाल आप कहीं से इस प्रस्ताव पे सीरियस हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल जी, आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना, तो मां लक्ष्मी भी और भगवान श्री गणेश भी, ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी में पैसा मारा है, आपके भाई आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेगी, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल इन द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इकोनॉमी। Today India is one of the leading economic country. Today's India growth rate shows a bright spot in the world economic forum. और केवल राजनेता ही नहीं कह रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पटल कह रही है कि विश्व भी अगर रेसेशन में चला जाए, और संभावना है कि विश्व रेसेशन में चला जाए, ग्लोबल रेसेशन हो जाए, किंतु लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है, उसके कारण भारतवर्ष कभी भी रेसेशन में नहीं जाएगा। निरंतर अपने परिश्रम के कारण, निरंतर अपने साधना के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर मां लक्ष्मी, प्रभु गणेश, भगवान श्री राम, महादेव की कृपा है, और तभी आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। यहां पर यह बात भी है कि चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी हमारे देश में आम हो चुकी है। लोग अचानक तिलकधारी बन जाते हैं, लोग अचानक देवी देवताओं की बातें करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी ये देख रहे हैं कि जो चुनाव है उसको देखते हुए पार्टियां समझ चुकी हैं कि अब हिंदुत्व दाव दिखाना पड़ेगा। अब ये हिंदुत्व दाव है या भक्ति है या आने वाले समय को देखते हुए परिवर्तन है, वो तो हमारी पार्टी जानती होगी या स्वयं केजरीवाल जानते होंगे। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, और इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जहाँ एक तरफ हम लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ हम उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसके बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि 30-31 तारीख को छठ पर्व है और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और
जहां पर मनाया जाता है वहां की स्थिति कैसी है, नदियों की स्थिति कैसी है, यमुना की स्थिति कैसी है, उस पर भी काम होना चाहिए। केवल केवल बोर्ड को देखते हुए ये विचार है या केवल केवल ये सोचते हुए विचार आया है कि हाँ अब परिवर्तन जरूरी है और अब उसी छवि को बनाना पड़ेगा जिस छवि से और पार्टियां भी आगे बढ़ती चली आई हैं। महत्वपूर्ण विषय है, उस पर चर्चा करने के बाद मेहमान जुड़ चुके हैं। नेता भाजपा से हमारे साथ केसी भाई जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा से तारिक भाई जुड़ चुके हैं, दिलीप जसवर्धन भाई राजनीति विशेषज्ञ में अपना पक्ष रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी हमारी पार्टी पर पक्ष रखेंगे और विकास मिश्रा सनातन महासभा से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला हमारा जो सवाल रहेगा वो प्रवक्ता आपसे रहेगा। तकी भाई क्या देखते हैं, चुनाव है आज तो आप भी भगवा बेस में आए, भाई हम तो देख रहे हैं आपकी कोटी भी भगवा है, ये गाइडलाइंस आई ऊपर से या कुछ अलग प्रक्रिया? खैर मुद्दा महत्वपूर्ण है, मुद्दा ये है कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये चुनाव को देखते हुआ है या ये जरूरी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, तो उसको हर लगता है हर कोई चुनाव के मूड में। अच्छा, लेकिन जो व्यक्तित्व दिया गया है वो भारत की गिरती और व्यवस्था को लेकर दिया गया है और कहा गया हमने देश को क्यों पिछले कई सालों से लगातार 70 सालों से 72 सालों से हमारा देश हमेशा विकासशील देश रहा है, विकसित देश नहीं बन पाया है। तो जब भी हम एक अच्छे राज अच्छे व्यवस्था की कल्पना करते हैं, हम चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, तो हम अपने देश के देवी देवताओं की फोटो, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की फोटो लगा लेते हैं, तो हो सकता है उससे हमारे देश की जो मुद्रा जो लगातार गिरती जा रही है वो ऊपर उठे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठे, हमारे देश के लोगों के ऊपर जो है लक्ष्मी जी का जो है आशीर्वाद मिले, उनके ऊपर धन की वर्षा हो और हमारे देश के लोगों की वित्तीय हालत सुधरे। तो इस चीजों को देखते हुए यह बयान दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रतीकों की राजनीति करती आई है, चिन्हों की राजनीति करती आई है, रंग की राजनीति करती आई है, तो उसको हर जगह को चुनाव ही नजर आता है। अरे भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से खड़ा कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से खड़ा कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है भगवान विष्णु से, भगवान लक्ष्मी से, भगवान गणेश से क्यों खड़ा कर रही है? और जब हम भारतीय लोगों की बात उठाते हैं, शिक्षा की बात उठाते हैं, अस्पताल की बात उठाते हैं, स्वास्थ्य की बात उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से लड़ने लगती है और वो लोगों से लड़ने, लोगों के अधिकारों से लड़ने लगती है। भाई अगर हम आज की डेट में साइंस की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, साथ में भगवान की बात कर रहे हैं, दोनों को साथ में लेके चलने का समय है। इस समय समय नहीं कि भगवान के बीच में और शिक्षा के बीच में विवाद पैदा करें। बीजेपी क्यों कह रही ढोंगना चाह रहे हैं? तो देखिए जो जैसा है उसको वैसे ही दिख रहा है। बीजेपी ने हमेशा ढोंग किया है, बीजेपी तो हिंदुओं की सत्यानाशी पार्टी है, उन्होंने हिंदुओं का सत्यानाश किया है। आप बताइए अगर भाजपा पिछले 8 साल से है तो रोजगार दर भारत में क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, आप कह रहे 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है, तो कहां रोजगार दर है? लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों ने 40-45 करोड़ लोगों ने देश में अपनी जॉब के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया है। कि आपने देखा भी इंटरव्यू हुआ था, क्या व्यवस्था थी रेलवे के स्टेशन में, कितनी भीड़ थी, कितने छात्र थे, कोई लोगों को छात्रों के लिए सहूलियत नहीं थी। और जब लोग आंदोलन करते हैं, छात्र आंदोलन करते हैं, उन्हीं छात्रों के ऊपर बीजेपी डंडे बरसाती है, उनके हाथ तोड़ देती है, महिलाओं ने कौन नहीं छोड़ा इन्होंने, वो करती है। तो भारतीय पार्टी ने कहां हिंदुओं का भला किया? आप देखिए ना, रोजगार दे पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स बीजेपी चिन्ह के रोजगार देती है, हिंदुओं को रोजगार देती है, क्या नहीं, किसी को रोजगार नहीं दे पा रही ना। हिंदू भारत है भाई, हिंदुस्तान में जो भी लोग हर युवा को रोजगार कहां दे पा रहे हैं? और जब भारत में रोजगार बढ़ेगा तो जिसकी आबादी ज्यादा उसको ज्यादा रोजगार मिलेगा, जब भारत तरक्की करेगा तो जिस जो ज्यादा उसको ज्यादा फायदा होगा ना। तो आप मानते हैं कि जो इस समय जरूरत है लक्ष्मी जी की फोटो की? इस समय हमने तो एक साधारण सी बात कही है, अरविंद केजरीवाल ने साधारण सी बात करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये साधारण सी बात करी है, सामान्य सी बात करी है, उस बात का भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करना चाहिए, उस बात का कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। इसके अंदर इतना तनातनी वाली क्या, एक बयान देने से, अरविंद केजरीवाल के एक बयान देने से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया, वो कैसे भगवान के प्रतीकों का उन्होंने इस्तेमाल किया हमेशा अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए। तो आप भी केजरीवाल ने बयान दे दिया, आप भी समझ गए क्या? केजरीवाल ने बयान दे दिया तो लगता किसी ने इनके आगे से 56 भोग छीन लिए भाई, क्या आप भी उसी फलसफे पे चलने शुरू कर दिए? वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद इनके आगे से किसी ने 56 भोग छीन लिया। जो 56 भोग ले रहे थे ये, और जो घोटाले कर रहे थे भगवान राम के नाम पर मंदिरों में और उनके जमीनों के अंदर, उनको लगता है उस दुकान के ऊपर ताला लगने वाला है, इसलिए इतने परेशान है, इतने हताश दिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बहुत सही समय पर बयान आया। किसी भाई कैसे देखते हैं बयान? समय पर बड़ा
ये राजनीति बड़ी सरगर्मी हो गई इस मुद्दे पर भाई, और लगातार इस पर बयानों के दौर जारी है। कांग्रेस सपा सभी ने इसका विरोध जताया है, आप कैसे देखते हैं? देखिए गौरव जी, पहली बात तो ये है कि अभी जी जो आम आदमी पार्टी के साथी जी लगातार आपने जो सवाल किया जी, और ये हर बार वही करते हैं जी, जब भी आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी जी या आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता का मंत्री का बयान आता है और उसमें उलझ जाते हैं जी, और देश की पूरी जनता जी जब इनको लगता है कि इनके खिलाफ खड़ी है जी, तब ये महंगाई, बेरोजगारी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा स्फीति और करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, दुनिया भर की बातें करेंगे जी, फिर घुमा फिरा के चुनाव पे ले आएंगे जी। तो देखिए जो बात अभी तकी भाई के मुंह से निकली जी, वो सही बात निकली जी, कि प्रतीकों की राजनीति के बल पर केजरीवाल जी आगे बढ़ना चाहती है। अच्छा, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रतीकों की राजनीति करके आगे बढ़ रही जी। देखिए हम प्रतीकों की राजनीति नहीं करते हैं जी, हम प्रतीकों को सम्मान जरूर दिलाते हैं जी। जब जो नया हमारा संसद बन रहा है जी, और वहां पे जब उद्घाटन की बात आई जी, और वहां पर जो अशोक लाट स्थापित की गई जी, उसको लेकर के भी तमाम सारे बयान है जी। तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है जी, उनको हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जी, और पूरा राष्ट्र उनको गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब आप ये देखिए केजरीवाल जी जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा करें, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आलोचना करें, कोई बात नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है, एक राजनीतिक पार्टी है और उनको ये सारे अधिकार है। लेकिन करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर के जब उनका बयान आता है जी, कि हमने अपनी नानी से पूछा जी, जब बाबरी मस्जिद गिरी कि आप तो खुश होंगी अब तो गिर गई बाबरी मस्जिद, तो हमारी नानी ने कहा नहीं नहीं ये तो गलत हो गया जी, और भगवान राम नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद गिरे। अच्छा, वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां अस्पताल बनना चाहिए। अच्छा, तो जो भगवान राम की जन्मभूमि पर जी भगवान राम का मंदिर बनना नहीं पसंद करते हैं, और उन्होंने कहा मैं कभी दर्शन करने वहां नहीं जाऊंगा जी, आज उनको जी हिंदू देवी देवताओं की याद क्यों आ रही है? आज उनको माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की याद क्यों आ रही है? और फिर जो घोषणा कर रहे हैं कि नोट पे छाप दिया जाए दोनों लोगों को, दोनों प्रतिमाओं को जी, भगवान गणेश जी को और माता लक्ष्मी को, जिसकी अपेक्षा करें, जिसकी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात इन्होंने कही है जी, तो पहले अपने मंत्रिमंडल से तो पूछ ले। अच्छा, कि क्या वो इसके लिए तैयार है? तैयार होंगे तैयार तो होंगे भाई जी, जी? तैयार होंगे तभी तो किसी भाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नहीं नहीं देखिए इनके उनके मंत्री राजेंद्र पाल जी, अभी बहुत पुरानी घटना नहीं, जल्दी की घटना है जी, हमें लगता है एक महीना हुआ होगा जी लगभग, तभी उन्होंने अभी उन्होंने करीब 10,000 लोगों को शपथ दिलाई जी जी कि हिंदू देवी देवताओं को हम नहीं मानेंगे जी। और इसके पहले केजरीवाल जी ने स्वयं कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में नहीं जाएंगे जी। अभी आपने छठ पूजा को लेकर के भी अभी आपने टिप्पणी की जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल। और एक मिनट वो बात आधी रह गई आपकी जी। इसी अभी पिछले वर्ष इन्होंने केजरीवाल जी ने क्या किया कि नदियों के किनारे पूरी बैरिकेडिंग कर दी जी, कि छठ पूजा नहीं होगी जी। तो देखिए नदियां भी हमारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल जल प्रवाह है, कि केवल जल स्रोत है जी, उसमें भी हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई जी, और वहां पे सारे कार्यक्रम हमेशा से होते रहे जी, उस पे भी रोक लगा रहे हैं। साफ नहीं हो पाई यमुना जी, यमुना नदी साफ नहीं हो पाई है, वही तो गहन चिंतन का विषय है। बजट भी खर्च करते हैं, दिखाते भी हैं, यमुना नदी साफ भी नहीं होती है, और छठ पूजा के लिए रोक भी वहां पर लगाते हैं। तो पहले अपने आप पे तय कर ले इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है जी। और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो जी, सभी इनसे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप ये कैसे अलग अलग बातें कर रहे हैं जी। तो कुल मिला करके देखिए, आप राजनीति करिए, आप मोदी जी को कह सकते हैं, अमित शाह जी को कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं,
लेकिन आप जो ओछी राजनीति कर रहे हैं इसको हर कोई समझ रहा है जी। और चुनाव को ध्यान में रख करके आपने गुजरात में क्या क्या कुछ किया जी। ये भी सामने आया जी। आपका जो बयान आया उसको लेकर के भी सारे बयान आ रहे हैं और आपके पहले के भी बयान आ रहे हैं। पहले आपने क्या बयान दिए जी? ठीक है किसी भाई, ठीक है। हमारे साथ प्रवक्ता सपा तारिक भाई जुड़े हुए हैं। तारिक भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा गया कि नोट पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाई जाए अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस चीजों? अब देखिए भाई कि क्या ऐसा करने से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी जी? उसके लिए तो प्रॉपर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ना जी। तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए और ये सब चीजें कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा जी रुपए की मजबूती के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं हम, जैसे 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 मलेशिया का ही एग्जांपल है जी, इंडोनेशिया का। वहाँ वो इंडोनेशिया या मलेशिया? इंडोनेशिया। जहाँ पर इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी है वहाँ पर है, लेकिन कंट्री टू कंट्री डिफर करता है जी। अच्छा, ये निर्णय भी मुझे लगता है कि जहां तक मैं समझता हूँ इकोनॉमी को जी, ये स्वतः निर्णय आरबीआई का होगा जी। बिल्कुल, आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है जी। जिस तरीके से सवाल मैंने बहुत पहले उठाया था इस बात पे जी, प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि अब नोट बंद हो गया, ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं जी। प्रधानमंत्री ये नहीं कर सकते थे जी, ये अधिकार क्षेत्र आरबीआई का है जी। दुनिया के किसी भी कंट्री को आप देखिए, सऊदी में एक राजा मर जाता है, दूसरा राजा आता है, तो धीरे धीरे उसकी फोटो नोट पे आने लगती है और धीरे धीरे पीछे वाले नोटों को हटा दिया जाता है। ट्रांजिशन प्रोसेस में पैसे को हमेशा रिमूव किया जाता है जी। अचानक से दुनिया की इकोनॉमी में कहीं भी शायद ऐसा हुआ हो कि अचानक से चंद घंटों में रुपए और बगैर आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट के, ये घोषणा मेरे हिसाब से, वो जो घोषणा हुई थी उस वक्त में जी, वो आरबीआई गवर्नर को करनी चाहिए या आरबीआई अथॉरिटी को करनी चाहिए जी। प्रधानमंत्री या होम मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री सिर्फ समन्वय में काम करती है आरबीआई के। तारिक भाई, समन्वय में तारिक भाई, पर यहाँ पर विषय ये है कि केजरीवाल जी अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की फोटो लगा दी जाए, और बीजेपी कह रही है चुनावी स्टंट है, वो भक्त बनने प्रयास कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। समाज पार्टी के भी एसोसिएशन का भी बयान आया है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। आप कैसे देखते भाई? देखिए, सामाजिक सौहार्द क्यों बिगड़ेगा जी? एसटी हसन साहब सांसद है समाजवादी के, उनके स्टैंड को बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन इससे क्यों बिगड़ेगा जी? अच्छा, आप बताइए गौरव भाई जी, इससे क्या बिगड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि बिगड़ेगा, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप भी नहीं है जी। देखिए, कंक्रीट स्टेप उठाने की जरूरत है। उद्देश्य क्या है इसमें केजरीवाल जी का उद्देश्य क्या? अब ये तो केजरीवाल जी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े विद्वान तकी भाई है, उनसे आप ये चीज पूछिए। अब इसमें समाजवादी का क्या वो है जी, कि इससे मुझे जो स्टेप्स उठाने की जरूरत है जी। ठीक है, ठीक। और इनके ये लोग जब सवाल करते हैं, गौरव भाई लास्ट बात कह रहा हूँ जी, तो इनके सवाल जैसे इन्होंने अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनके मंत्री ने कुछ कहा, तो उन्होंने तो अपने मंत्री को बर्खास्त किया ना। आपके मंत्री ने कहा कि मुसलमान से सामान ना खरीदो, सांसद ने, आपने क्या किया जी? गौरव भाई सवाल पूछ लीजिए जी। बिल्कुल, दिल्ली में कहा ना सांसद ने जी कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको अवकाश याद दिला दो इनको अपनी जी, यही तो कहा जी। आपने कारण बताओ नोटिस, घटिया सा कारण बताओ नोटिस तक नहीं दिया जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दिलीप हर्षवर्धन जी जुड़े हुए हैं। दिलीप भाई, महत्वपूर्ण विषय है, आपकी कह रहा है कि किस तरह का चुनावी स्टंट है, या वास्तव में उनकी जो बात है वो सही है, ऐसा होना चाहिए, इंडोनेशिया का उन्होंने प्रमाण भी दिया है, और बीजेपी कह रही है कि केवल चुनाव को देखते हुए वो ढोंग रचा रहा है, आपकी क्या राय है?
गौरव जी, ये जो स्टेटमेंट आया है अरविंद केजरीवाल का, इसके कई सारे मायने हैं, कई सारे अलग अलग एंगल से इस बयान को देखा जाना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने IAS की तैयारी करी होगी, IAS नहीं बन पाए होंगे तो IRS में आगे रह गए होंगे, और IRS होने के बावजूद इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे थे जब वो राजनीति में आए थे, तो इकोनॉमी को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान का जो उन्होंने इकोनॉमिक बेस लिया है कि अगर नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो लगा दी जाए तो देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, तो ये बड़ा बचकाना सा बयान है। भगवान आस्था का विषय है, अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है जी। और आस्था से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरती है, बिल्कुल सही बात है। ये हम ऋषि युग में नहीं रह रहे हैं जी। हम वर्तमान युग में रह रहे हैं। यहाँ आस्था व्यक्ति की इंडिविजुअल मान्यता हो सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए जो मॉडर्नाइजेशन युग है उसमें जो चीजें करनी चाहिए हमको, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, अर्थव्यवस्था उसी तरीके से सुधरेगी, खाली फोटो लगाने से नहीं सुधरेगी। तो जो पहला स्टेटमेंट, पहला जो बेस है उनका कि अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, मैं इसको सिरे से नकारता हूं, इस बात में कोई दम नहीं है जी। अब दूसरा नजरिया ये कि ये बयान अगर गुजरात के चुनाव को देखते हुए और हिंदू कार्ड खेलने के लिए दिया गया है तो भी मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपना नुकसान कर लिया। अच्छा, ये ठीक है कि गुजरात हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में हिंदू ही रहते और हिंदुओं का ही वोट है। अगर उन्होंने कहा कि नोट पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लग जाएगी तो लोगों की आस्था जाग जाएगी और अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो आस्था हिंदुओं की तो जाग जाएगी, लेकिन सिखों की तो नहीं जागेगी जी, बिल्कुल, क्रिश्चियंस की तो नहीं जागेगी, बिल्कुल, मुसलमानों की तो नहीं जागेगी, और भी बहुत सारी इस देश में जातियां हैं जो गणेश लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, बिल्कुल, उनकी आस्था तो नहीं जागेगी। तो ये जो धार्मिक आधार है, इस धार्मिक आधार को भी लेकर के उन्होंने अपना नुकसान किया, बल्कि अपने मुसलमान वोटर्स को नुकसान किया। अच्छा। इन्होंने मुसलमान वोटर्स की नाराजगी भी ली इस बात को लेकर के, अंदर अंदर होगी, भले ऊपर से तकी भाई ये बात अपने मुंह पे ना कहें क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता है, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वोटर है वो धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं आहत अपने आप को जरूर महसूस करेगा। तीसरा जो इन्होंने एक सामाजिक परिवेश खड़ा करने की कोशिश करी वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए कि गुजरात चुनाव में हम अगर इस तरह का धर्म का कार्ड खेलते हैं और हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि एक जरा से स्टेटमेंट से इस तरह का कोई वोट पोलराइज हो जाएगा। अब चौथी बात, जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को इतना तूल दे रही है, ये बात इतनी तूल देने वाली भी नहीं। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने मन की भावना व्यक्त की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट चाहे अर्थव्यवस्था के मद्देनजर था या आस्था के मद्देनजर था या वोट के पोलराइजेशन के मद्देनजर था, वो उन्होंने बात कह दी, बात खत्म हो गई। उनके कह देने से ना तो नोट पे फोटो छप जा रही है, ना अर्थव्यवस्था बदल जा रही है, और ना धार्मिक समीकरण जो है उनके राजनीति के फेवर में चले जा रहे हैं। सही बात। लेकिन कुल मिलाकर के गौरव जी, जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट ये है कि इस देश में हर बात और हर वक्तव्य को लेकर के राजनीति होती है, बिल्कुल, और हर राजनीतिक पार्टी उस वक्तव्य पर राजनीति करने का मौका ढूंढती है। तो ये वही खेल है जी। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, पिछली बार नगर निगम के चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी थी, भारतीय जनता पार्टी की खराब थी, आम आदमी पार्टी की अच्छी थी जी। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर तो रहता ही रहता है कि ऐसा ना हो आम आदमी पार्टी की एंट्री वहां पर और अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि अभी पंजाब का चुनाव उन्होंने जीता है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से शिकस्त खाई है जी। तो गुजरात मजबूत होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, इसलिए इस स्टेटमेंट को इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया। तो आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट ही है, आम आदमी पार्टी का भी और भारतीय जनता पार्टी का जी। ठीक है विकास भाई अचानक से बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भक्त बन गए केजरीवाल जी, पहले भक्त नहीं थे, इस तरह के बयानबाजी आ रही है और बड़ा बयान उन्होंने दिया है, आप कैसे देखते हैं? जी हां गौरव भाई, अगर प्रथम दृष्टया देखें जी, केजरीवाल जी का बयान बड़ा ही सुनने में अच्छा लगता है जी, कि अचानक से सनातन संस्कृति के बारे में आस्था उनकी जागृत हो गई, उनको शायद यह ज्ञात हो गया वो सनातनी है जी, और लक्ष्मी जी और गणेश जी के सनातनी है भाई, नहीं नहीं सनातनी तो है ही है, लेकिन अचानक से शायद उनको ज्ञात हो गया, क्योंकि अभी जो आगे बोल रहा हूँ फिर आप पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 23 अक्टूबर को दीपोत्सव होना था जी, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने भी बहुत ज्यादा बयान दिए थे कि भाजपा जो है हिंदू वोट खींचने के लिए इस तरीके का कार्य करती है। अच्छा,
तब इनको बड़ी आपत्ति थी कि वहां पे दीपोत्सव हो रहा है और ये वोट बैंक की राजनीति के लिए हो रहा है जी। भाजपा ने राम मंदिर के लिए इसलिए सब कुछ दिखाया अपने को कि वो वोट बैंक इकट्ठा कर सके जी। लेकिन अब जब इस बयान को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक ही दिखाई पड़ता है। ऐसे समय पर जी। अभी 3-4 दिन हुए हैं दीपोत्सव और आपका बयान आ जाता है आस्था के डिबेट भी हुई थी इस पे और आम आदमी के प्रवक्ता भी थे जिनको बड़ा ये दिक्कत थी कि विकास के लिए बात होनी चाहिए और इस तरीके के कार्यों पे नहीं होनी चाहिए। उसमें बड़ा उनको खर्चा भी नजर आ रहा था कि सरकारी फंड भी जा रहा है, सब कुछ उनको लग रहा था। अच्छा। आज इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं तो बिल्कुल ये राजनीतिक तौर पर नजर आता है और ये कोई पहली बार नहीं है। जब भी इधर मैं देख रहा हूँ करीब 2014 से जी एक अजब सा माहौल आया हमारी राजनीति में जी। जितनी भी पार्टी है जब इलेक्शन आने वाला होता है तो कंठी माला पहन लेंगी, मंदिर जाना शुरू कर देंगे, अपने को टीका लगाने लगेंगे, जनेऊ धारण करने लगेंगे, मतलब हर तरीके से दिखाएंगे कि हम बड़े आस्थावान हैं, सनातन संस्कृति को बड़ा अच्छा मानते हैं। अच्छा। तो वो सब दिखाने का प्रयास होता है, उसी का एक तरीका ये भी है जो केजरीवाल जी ने किया। अच्छा। दूसरा भाजपा को भी मैं कहूंगा, देखिए मैं जैसा पिछली बार एक बार मैंने कहा भी था कि आपके विपक्ष जो है आपका प्रचार करते हैं, आप इस बार शायद वही करते नजर आ रहे हैं, इससे थोड़ा बचिए। अच्छा। क्योंकि आपका प्रचार ये करते रहे, अगर इस तरह के मुद्दों को इतना हाइक दे देंगे तो इनका प्रचार आप कर देंगे। अच्छा, अच्छा। रही बात जो उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा उसमें स्थापित कर दी जाए, फोटो स्थापित कर दी जाए तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी जी। देखिए सनातन संस्कृति पूरी वैज्ञानिक संस्कृति है, आधुनिक विकसित विज्ञान से विकसित है जी। उसके ग्रंथ पढ़िए, उसमें आपको अर्थशास्त्र भी मिल जाएगा और बहुत ही आधुनिक विकसित अर्थशास्त्र मिल जाएगा, तो उसके मुताबिक कार्य करेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था जरूर सुधरेगी। अगर सनातन संस्कृत को मानना ही है तो उनको पढ़ाना शुरू करिए। अभी तो आपने स्कूल का बड़ा अच्छा कार्य किया केजरीवाल जी ने, जैसा कि हमने सुना भी है, दिल्ली के हमारे जो मित्र हैं बताते भी हैं जी। तो स्कूलों में आप सबसे पहले सनातन संस्कृत को पढ़ाना शुरू करिए, बच्चों में संस्कार तो आए, बच्चे समझे कि सनातन संस्कृत क्या है जी। तो नई जनरेशन जो आएगी वो उस हिसाब से कार्य करेगी, अर्थव्यवस्था ऐसे सुधरेगी। खाली फोटो लगा देने से अगर अर्थव्यवस्था आप सोच रहे सुधर जाएगी तो ये बचकाना प्रयास भी, जैसा कि अभी दिलीप भाई ने बोला भी है जी। और साथ ही ये राजनीतिक मुद्दा भी नजर आता है, राजनीतिक तरीका भी नजर आता है कि अब हम हिंदू वोट बैंक पे कार्य करें और हमें वोट मिल जाए। तो ये भी हम आपको बताना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदू बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता कि इस तरीके से आपको वोट दे देगा। ठीक है, वो जानता है कि उसकी जरूरतें क्या है, सरकार के कार्य को देख करके वोट दिया जाता है, तो उससे भी थोड़ा बचें। ठीक है, तकी भाई अपनी बात करिए। देखिए ऐसा है, जो बयान दिया गया है, लगता है हमारे जो भी विभिन्न लोगों ने बयान दिया है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का पूरा व्यक्तित्व तो पूरा बयान नहीं देखा। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे कार्य करने हैं, उन कार्यों की उन्होंने विस्तृत चर्चा करी। उसमें उन्होंने एक सुझाव ये भी दिया, अगर अपने नोट के ऊपर हम भगवान गणेश जी का, भगवान लक्ष्मी माता का फोटो लगाते हैं तो हमारे जो मुद्रा के ऊपर जो राहु काल चल रहा है, राहु काल चल रहा है, जो हमारे मुद्रा के ऊपर इतनी कष्ट चल रहा है, हो सकता है वो कट जाए, वो काल खत्म हो जाए, हमारी जो मुद्रा है वो आगे बढ़ जाए। और दूसरी बात है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जन्म से हिंदू है, वो हमेशा हिंदू धर्म का सम्मान करते रहे, उनका नाम हिंदू धर्म के आधार पर रखा गया। अब ये भाजपा के लोग दिखाना चाहते हैं वो अभी अभी हिंदू बने, इन्होंने कई बार अरविंद केजरीवाल को छेड़ा और आप बताइए हिंदू हैं तो आप हनुमान चालीसा सुनाइए, उन्होंने हनुमान चालीसा सुना दिया। अच्छा। उन्होंने श्लोक सुना दिया गीता के, इनको लगता है सिर्फ यही हिंदू है। अच्छा। और कोई हिंदू नहीं है। अच्छा। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। अब भाजपा ने दो हिंदू बना दिए हैं। अच्छा। एक वो हिंदू जो भाजपा के अंदर है, एक वो हिंदू जो भाजपा के बाहर है। अच्छा, ये बड़ी जल्दी लगा देते हैं इल्जाम उसी पार्टी के ऊपर। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्हीं की पार्टी के MLC हैं बुक्कल नवाब, उन्होंने कहा भगवान हनुमान जो मुसलमान है, क्योंकि हनुमान रिजवान फुरकान इरफान ये सारे नाम मुसलमान रखते हैं, इसलिए हनुमान भगवान भी जो मुसलमान है वो आज भी इनके ही पार्टी के अंदर जो है वो MLC के पद पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। नरेश अग्रवाल साहब जो समाजवादी पार्टी में, उन्होंने कहा था विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम और जिन में जान माता जानकी ठहरने में हनुमान, आज भी बीजेपी में उनका बेटा मंत्री है, बीजेपी के अंदर सपा में थे, सपा में अब है, बीजेपी में अंदर है ना, उनका बेटा मंत्री है। तो इनके लोग जो है अलग अलग तरह के व्यक्तित्व देते चले आ रहे हैं और कभी कहते हैं हिंदू राजनीतिक बयान सपा में तेरा बयान दिया था, ये जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं। अच्छा। इन्हीं के जो है MLA MP बयान देते हैं कि हिंदुओं को इनके तो आप मानते हैं ना कि जागृत नहीं हुए, पहले जागृत है, पहले से हिंदू है। देखिए वो हमेशा से हिंदू थे और हर आदमी जो भारत में जन्म लिया जिस धर्म में उसको उसके धर्म के ऊपर फक्र है, मुझे भी अपने धर्म के ऊपर फक्र है, सबको फक्र है और सबके सम्मान की बात है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे देश की भाई चुनावी स्टंट नहीं है, ये चुनावी स्टंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन आज के लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो लगातार मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमेशा जाते हैं। देखिए सुनिए,
हमें ऐसा लगा केजरीवाल जाएंगे भाई जाएंगे, जिस तरह से भाजपा लगातार उनको घेरती आ रही है, उस तरह की खुद ही बस्ती चली जा रही है भाजपा, वहां लोग चर्चा करने लगे हैं कि भाई लगता है शेर को सवा शेर मिल गया है, नहले को दहला मिल गया है। और बीजेपी के ही स्टंट्स के, बीजेपी के तरीके से उन्होंने उनको उठा के पटखनी दे दी है। अब बीजेपी चारों खाने चित है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसका करें क्या। चलो कैसे बताएंगे इसको, गलते बनना है निकलते बनना है, अब इतना विरोध भी नहीं कर सकते बेचारे, लेकिन अब जो है खुल के बस इनको लग रहा है। गौरव जी देखिए जी बोलिए, इनकी मंशा बिल्कुल बाहर आ गई जी, तकी जी की मनसा आम आदमी पार्टी की मनसा तकी जी के माध्यम से बाहर आ गई। चलिए तकी जी ने अभी स्पष्ट रूप से कहा जी कि भाजपा की शैली में केजरीवाल जी उनको जवाब देने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जी, यानी उनकी आस्था से कोई मतलब नहीं है जी, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, माता लक्ष्मी से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब इस बात से है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी की भाषा में दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। पहली बात स्वास्थ्य ही भगवान के करीब पहुंचते हैं, सुन लीजिए भगवान के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। गौरव जी सुन लीजिए मैंने पूरा सुना, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया किसी के, जी बोले बोले किसी के एक शब्द भी मैंने इंटरप्ट नहीं किया, बोले मैंने उंगली तक नहीं उठाई कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैंने इतना तक भी नहीं किया जी, बोले मैं सबको देर से सुन रहा था जी। देखिए तकी भाई जी की भी समस्या क्या है कि क्या है कि सरस्वती माता कभी कभी जबान पे आ जाती है, और यहाँ पे क्या हुआ तकी भाई की जबान पे वो बात तो निकल गई, अब उसको बार बार घुमा रहे हैं वो जी। जो बात केजरीवाल जी कहना चाहते थे जी, उस बात को तकी भाई ने स्पष्ट किया आम आदमी के प्रवक्ता के नाते जी, अब उसी चीज को घुमा करके अपनी बात को पलटने का प्रयास कर रहे हैं जी। देखिए तकी भाई ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए केजरीवाल जी ने ऐसी बात कही है जी। उनकी कोई मंशा नहीं है, अच्छा। उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जी। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए ऐसे बयान उन्होंने दिए है, अच्छा। तो देखिए ये पटकनी तो हमेशा देते रहे जी। और हिंदुओं को पटकनी हमेशा देते रहे हैं, कैसे हिंदुओं को पटकनी दी जाए जी। जब अभी हमने आपसे पहले भी कहा जी कि जब अयोध्या के राम मंदिर की बात आई, कहते रहे जाएंगे मंदिर जाएंगे, उन्होंने नहीं जाने की बात नहीं है जी जी, उन्होंने अपना जो संस्मरण सुनाया अपनी नानी से बातचीत का जी, कि मैंने नानी जी से पूछा था जब वो बाबरी मस्जिद गिरी कि आप खुश होंगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं खुश नहीं हूँ और नहीं गिरना चाहिए और ये बहुत गलत हुआ है। और केजरीवाल जी ने कई बार कहा कि इस पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, इस पे निर्माण कार्य हो, और ऐसी जगह पे मंदिर बनना पाप होगा, मंदिर बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ऐसी जगह पे हॉस्पिटल ही बनना चाहिए। तो ये पटकनी हमेशा देते रहे। फिर इसी तरीके से जब जम्मू कश्मीर पे फिल्म आई तो उसमें भी हिंदुओं को उन्होंने पटकनी दी, कहा नहीं ये टैक्स फ्री नहीं होगी, दिल्ली में बिल्कुल टैक्स फ्री नहीं होगी, और सब इसमें झूठा दिखाया गया है, अच्छा। और जब उसमें हिंदुओं का कत्लेआम दिखाया गया उस बात पे ठहाका मार के हंसते हैं, तो ये हिंदुओं को पटकनी वहां पर भी देते हैं अच्छे से, और कहते नहीं नहीं किसी भी हिंदू का कत्लेआम नहीं हुआ था, जैसे भारतीय जनता पार्टी पिक्चर है कुछ नहीं हुआ था। सुन लीजिए ये हमेशा से पटकनी देते रहे, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडित का घर आज तक कश्मीर में नहीं बना है। जो प्रतीक चिन्ह है लोगों को वहां रोके हुए कश्मीरी पंडित का, जो प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक, कश्मीरी पंडित भाजपा ने वहां बताया है, बताया भाजपा स्वास्तिक के दीपावली की पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकती है, लेकिन एक भी कश्मीरी पंडित को बताया नहीं, स्वास्तिक बनाते हैं, आगे स्वास्तिक बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, सुन लीजिए सुन लीजिए। तो बिना शुभ लाभ लिखे हमारी दीपावली की पूजा पूर्ण नहीं हो सकती जी, बिना स्वास्तिक के हिंदू धर्म पूर्ण नहीं हो सकता है, हिंदू धर्म कि जो गणेश लक्ष्मी की पूजा है बिना स्वास्तिक के पूर्ण नहीं हो सकती है। और ऐसे स्वास्तिक चिन्ह का भी इन्होंने अपमान किया, उसको झाड़ू से मारते हुए दिखाया, और इसी तरीके से बजरंग बली का भी अपमान किया, हनुमान जी का भी अपमान किया जी। तो जो पटकनी देने की बात इन्होंने कही जी, तो हिंदुओं को पटकनी कैसे दी जाए, चाहे दिल्ली के दंगे रहे हो, दंगाइयों को बचाना रहा हो, सीए के विरोध के नाम पे हिंदुओं का अपमान करना रहा हो, भारत देश तेरे टुकड़े होंगे गाय के साथ चाहे खड़े हो, तो कुल मिलाकर के हिंदुओं को पटकनी कैसे देनी है, ये केजरीवाल जी बहुत अच्छे से जाते हैं, और इन्होंने आगे को पटकनी और दी है, उन्होंने तो ब्राह्मण भोज भी कराया
जो आपने कहा मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, केजरीवाल जी हिंदुओं को पटकनी दे रहा था और पटकनी देने के लिए ही उन्होंने कहा कि इस पर ऐसी प्रतिभाओं को छापना चाहिए। तब हिंदुओं की और आप ये देखिए महंगाई की बात करेंगे तो महंगाई पे कोई बयान दिया 80% आबादी महंगाई पे कोई बयान दिया देश के अंदर महंगाई बढ़ती है सुन लीजिए। देखिए गौरव भाई सुनना नहीं चाहिए, आप डिबेट करा रहे हैं चुप कराइए। सुन लीजिए बोलिए। देखिए भारत देश आज विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जी। कभी ये दसवीं और ग्यारहवीं अर्थव्यवस्था हुआ करती थी जी। और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं जी। तो डॉलर का बढ़ना या भारत देश की रुपया करेंसी का डाउन होना दोनों चीजें समान नहीं जी। क्योंकि भारत की करेंसी की अपेक्षा तमाम सारी और करेंसी है जिसमें भारत देश की करेंसी मजबूत हुई है जी। कई सारे देशों की करेंसी है जो भारत देश से डाउन है उनकी अपेक्षा भारत देश की करेंसी मजबूत हुई है जी। और जहां तक डॉलर की बात है तो डॉलर तमाम सारे देशों की करेंसी में जो डॉलर की अपेक्षा डाउन है वहां पर उनकी सबकी करेंसी डाउन हुई, यानी कि डॉलर वहां पे मजबूत हुआ है जी। तो भारत देश की करेंसी कहीं कमजोर नहीं हुई जी। अगर केवल भारत की करेंसी कमजोर होती और देशों की मजबूत होती तब तो आप ये बात कह सकते थे। दूसरी बात ये अर्थव्यवस्था में पांचवी अर्थव्यवस्था के रूप में है। फिर एक चीज और, एक झूठ फैलाया जा रहा है जहां पर बांग्लादेश पाकिस्तान और श्रीलंका जहां की अर्थव्यवस्थाएं डाउन है जी। जहां पर राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस करके आम पब्लिक जाके स्नान करती है जी। हल्ला बोल करती है वहां की जो भुखमरी रेट है जी। वो भारत देश से उसकी भुखमरी रेट नीचे है और भारत देश की भुखमरी रेट उसके ऊपर है, यानी कि भारत देश इंडेक्स में जो है भुखमरी में ज्यादा दुर्गति स्थिति में। ये क्या दिखाया जा रहा है? क्या इन चीजों को माना जा सकता है? क्या आप स्वयं देख लीजिए आकलन करके कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है। लेकिन दिखाया क्या जा रहा है कि नहीं ये तो और ज्यादा नीचे है। और ये कौन दिखा रहे हैं? कौन दिखा रहे हैं? ये वही लाल झंडे वाले जो लोग हैं, वही लोग जो कभी हमारे वेस्ट बंगाल में आकर के घुसे थे जी। आज वही कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक संगठन है वो इंडेक्स ये जारी करता है जी। आप उस पे भरोसा करते हैं? भारत देश में जहां रह रहे हैं वहां की राष्ट्रशक्ति पे आपको भरोसा नहीं है? केजरीवाल जी को वहां पे भरोसा नहीं है? आप सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जो जो स्पेस से सैटेलाइट से तस्वीरें खींची गई उनको माना गया कि हाँ वहां सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। केजरीवाल जी हमारे देश के जवानों का अपमान करते हैं? नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमारे देश के जवानों में क्षमता ही नहीं है कुछ करने अच्छा। की पाकिस्तान में बहुत क्षमता है अच्छा। ये कहते केजरीवाल जी तो ये अपमान नहीं कर रहे देश का? तो पटकनी देश के जवानों को भी देते हैं, हिंदुत्व को भी देते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इनका काम है पटकनी देना। लेकिन इनको पटकनी देने के लिए देश की प्रदेश की जनता तैयार है? अब ये इसका मतलब ये नहीं पंजाब जीत गए तो पटकनी नहीं खाएंगे, अब ये बड़ी पटकनी खाने वाले हैं, पूरे देश का हिंदू इनको बड़ी पटकनी देने वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। तारिक भाई, एक मिनट। तारिक भाई, भाई यहाँ पर तो जो गर्मा गर्मी है वो भाजपा और सपा के आम आदमी पार्टी के बीच में है भाई। यहाँ पर चर्चा तो महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था अगर नीचे जा रही है तो उसके लिए कार्य होने चाहिए, केवल मैच फोटो लगाना उसका समाधान नहीं है। जैसे दिलीप भाई बता भी चुके हैं कि इससे लाभ नहीं होने वाला, इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान ही होने वाला है और ये पूरी तरह से चुनाव स्टंट उन्होंने बताया है जी। तारिक भाई देखिए, गौरव भाई जी अभी बताया इन्होंने केसी जैन साहब ने कि बहुत नंबर में उछाल आया भारत जी, इकोनॉमी में ऊपर निकल गया जी, और शायद संबित पात्रा के जो प्रवक्ता थे जी, या उनके दूसरे प्रवक्ता थे वो भी बहुत चिल्ला रहे थे जी, पर कैपिटा इनकम अभी शायद हमने यूके को पीछे छोड़ा है, पर कैपिटा इनकम जी प्रति व्यक्ति आए जी कितने गुना पीछे है उससे पता कर लेंगे केसी जैन साहब, मैं बताऊंगा नहीं पता कर जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना विशाल का देश जी, उसको आगे ले जाने के लिए तमाम चीजें करने की जरूरत है जी।
छोटी छोटी चीजों पे जी नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पूरी टीम जी क्रेडिट ढूंढती है। अच्छा, और ऐसे मुद्दों पे खूब आकर स्टेटमेंट देती है जी। जो केजरीवाल साहब का मुद्दा जी अभी जो हुआ कि नोट में उस पर खूब स्टेटमेंट है जी। आपकी पर कैपिटल इनकम क्या है जी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पीएम मोदी ने कहा था, एट द रेट ऑफ ग्रोथ 7% पर एनम जी, कैसे होगी? दो सवालों का जवाब दे। वैसे केसी जैन साहब जानते कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ, शायद दिलीप साहब दे सके मेरे सवाल का जवाब। अच्छा, 7% की ग्रोथ रेट से आप कैसे पहुंचेंगे जी? आप बड़े जानकार हैं। अरे सुनिए भाई, आप नहीं जानते, जानकारी ज्यादा रहती है जी। आपका काम है भारत देश की आलोचना करना, पूरी पार्टी का काम है यही, जो केजरीवाल जी का काम है वही काम समाजवादी पार्टी का हो गया है कि भारत देश की आलोचना कैसे की जाए, पूरे देश की आलोचना कुछ खास रहता है क्या बीजेपी के प्रवक्ता में गौरव साहब? इनको ज्यादा टाइम मिलेगा बोलने? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ समय है, सब कुछ। तो गौरव भाई चुप करेंगे तो ये क्या? किसी भाई सुन लीजिए, किसी भाई सुन लीजिए, किसी भाई सुन लीजिए, किसी भाई सुन लीजिए, फिर टीका लगाना छोटी बात है? किसी भाई सुन लीजिए, इतनी बड़ी मुझे बताइए। अच्छा चलिए, मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे बताइए यार, केसी जैन साहब की मैं बेवजह गौरव भाई आप जानते हो मैं पर्सनल नहीं होता। जी बोलिए बोलिए बोलिए। क्या क्या इंडिया की पर कैपिटा इनकम है अभी जी, और हम कितना पीछे हैं यूके से जी? पर हम इसके लिए नहीं बैठे यहाँ पर जी, आप बताइए गौरव भाई। है जानते बूझते हैं नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी इकोनॉमिक्स की थोड़ा पढ़ाई करें, होमवर्क करें, बाकी और हिंदू मुसलमान के लिए लोग ठीक है गौरव भाई। और हम जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो पर्टिकुलर स्टडी थोड़ा पढ़ाई करना, तो आपका पिछला ऐसा बैकग्राउंड रहा जहाँ आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, या हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है? जब हिंदू मुसलमान की बात होगी तब जैन साहब को बताइएगा। अच्छा पहले तो दो तीन उनका परवेश वर्मा के बारे में आपने बताया, जिसने बताया कि मुसलमानों से कुछ मत खरीदो, हिंदुओं का टीकाकरण हुआ क्या? अब देखिए गौरव भाई, इनको बुलवाइए या हमको, या तो नहीं, आप बोले बोले मुद्दा 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 ही है, इनको कुछ एडवांटेज है क्या? भाजपा को कुछ एडवांटेज है क्या? नहीं कोई एडवांटेज नहीं, सत्ता में रहेगा। तारिक भाई, तारिक भाई, तो इनको चुप कराएगा। केजी भाई सुन लीजिए, तारिक भाई, पर यहाँ पर मुद्दा ये है कि केजरीवाल साहब ने जो यहाँ पर फोटो लगाने की मांग कही है नोट पर, वो कैसे देखते हैं आप? तो भाई देखिए, उससे दिलीप भाई ने बहुत अच्छी बात कही, उससे मसला हल नहीं होगा जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी जी। जब रिसेशन, जब अभी कोरोना था तो निगेटिव ग्रोथ की हिंदुस्तान ने जी, अब जाकर उस निगेटिव ग्रोथ को कवर किया है जी। जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट होती है कि हम इस रेट से ग्रो करेंगे जी, उसको IMF लगातार शॉर्ट करता जा रहा है। जैसे आपने कहा कि हम अगले साल 5% से ग्रो करेंगे, तो IMF कहता है आप 7 से नहीं कर पाएंगे, 6.5 से कर पाएंगे, तो इस रेट से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे पहुंचेंगे? पहला सवाल जी। जो अभी हमने यूके को सरपास किया, हम बड़ी इकोनॉमी बन गए, मुबारकबाद है। लेकिन गौरव भाई, इकोनॉमी ग्रो करने के 1000 पैमाने हैं जी, उसी में एक बड़ा अहम पैमाना पर कैपिटल इनकम भी है कि प्रति व्यक्ति आय कहाँ पहुंचे, लिविंग स्टैंडर्ड कहाँ पहुंचा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से कोरोना के टाइम में 8 लोग जी पॉवर्टी लाइन से नीचे आए जी। पॉवर्टी लाइन की लिमिट है 169 रुपए से कम जो कमाता है जी, अकॉर्डिंग टू डॉलर जी, वो गरीब है जी। उन 8 करोड़ लोगों में गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले 4.5 से 5 करोड़ लोग हिंदुस्तान के हैं, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है जी। इस इंडेक्स को कभी गौरव भाई 5वीं इकोनॉमी पे भी चर्चा करिए, कर लीजिए इनका महिमा मंडल करिए। केजरीवाल जी के बयान पे करूंगा भाई। नहीं गौरव भाई, इकोनॉमी से जुड़ी हुई बात है ना जी। जो केजरीवाल जी ने कहा वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई। बीजेपी वाले बोल रहे कि चुनावी स्टंट है, अचानक जो उनके अंदर हिंदुत्व जाग गया। भाई चुनावी स्टंट हो जी और ये ना हो जी, नहीं आप चाहते हैं, मैंने कहा कि ये पैसा स्वतः RBI का है जी। आप चाहते हैं अपने बकबक बकबक बोलते जा रहे हो, इनको कुछ समझ में आएगा नहीं, कितना बोलूं क्योंकि इनके समझ से परे। ठीक है ठीक है ठीक है, दिलीप भाई अपनी बात पूरी करिए। दिलीप भाई नहीं नहीं, अखिलेश यादव जी चाहते हैं, दिलीप भाई पर्सनल नोट पे गणेश लक्ष्मी ठीक है, किस जगह हो गया, किस जगह हो गया, बेरोजगारी हो गया। दिलीप भाई को लेने दीजिए, बोलिए दिलीप भाई, बोलिए। नहीं क्या सवाल है आपका गौरव जी? दिलीप भाई मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ पर तारिक भाई बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर कम है और लगातार पॉवर्टी लाइन से नीचे है,
केसी भाई कहना हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो गलत है, ये झूठ फैलाया जा रहा है, और तकी भाई बोल रहा है कि केवल और केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने ऐसी यहाँ पर बयान दिए हैं। कैसे भाई, भाई आपने तो यहाँ पर बताया कि चुनावी स्टंट है और ये फेल होने वाला है, आप कैसे देखते हैं? अच्छा, केसी भाई ये कह रहे हैं कि हंगर इंडेक्स जो आया है वो गलत है। जी गलत है, आंकड़े गलत है। और जो जो इंडेक्स इनकी तारीफ कर रहा है वो सही है। जी जी नहीं, ये देखिए अर्थव्यवस्था की अगर बात करी जाए तो मेरा अपना आकलन है कि ऐसा नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। जी आप अगर जो सूचकांक होता है, जो शेयर मार्केट का सूचकांक होता है, NSE/BSE जो इस देश का इंडेक्स है, उसको देखिए, आज के 5 महीने पहले वो 63,000 पहुंचा था, फिर वो 52,000 तक लुढ़क कर गया और आज तक वापस 63,000 पर नहीं आ पाया। जी। मैं इकोनॉमी को अच्छा तब मानूंगा जब मुझे चीजें सस्ती मिलने लगेंगी। जी बिल्कुल, मेरे अपने घर की अर्थव्यवस्था, मेरी जितनी इनकम है उसमें अच्छे से चलने लगेगी और मेरे ऊपर टैक्सेस का बोझा कम पड़ेगा। जी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं हो, बिल्कुल नहीं है। महंगाई हर चीज की बढ़ रही है। जी। और मेरे जेब पर जी बोझा टैक्सेस के अलावा बहुत सारी चीजों का पड़ रहा है। जी। 5 ट्रिलियन की 5वीं अर्थव्यवस्था देश की हो गई है, इस बात को अगर केसी साहब मानते हैं, हो सकता है मैं भी मानता हूं, मैं इसका क्वेश्चन नहीं खड़ा करता। जी। लेकिन मेरा सवाल है इसका पैरामीटर क्या है, पहला। दूसरा, जिस देश में, ये भी भाजपा ही कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, इस भाजपा के स्टेटमेंट में कई बार आया, केसी साहब इसको मानेंगे भी, कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को तो खाना दे रहे हैं। 80 करोड़ का मतलब हो गया इस देश की लगभग 60% से ज्यादा जनसंख्या। बिल्कुल। तो जिस देश की 60% से ज्यादा जनसंख्या अपना खाना नहीं कमा पा रही है, वो सरकार के पैसे पर निर्भर कर रही, सरकारी खजाने से खाना खा रही है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा कैसे कहा जाएगा? जी बिल्कुल। टैक्सेस आम आदमी पर, जो मिडिल क्लास आदमी है, उस पर बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जहां पर सर्विसेज नहीं है तो भी सर्विस GST लग रहा है। मैंने रिजर्वेशन कराया रेलवे से, रेल की यात्रा करने के लिए उसकी बुकिंग कर पर भी मुझे GST देना पड़ रहा है। अगर मेरा टिकट जो है वो वेटिंग में था और मुझे ट्रेन जाने के बाद कैंसिल कराना पड़ा तो कैंसिलेशन पे फिर मुझे GST देना पड़ रहा है। सेवा मुझे मिली नहीं लेकिन मैंने GST दो दो बार दे दिया। जी। तो साहब, इसको अगर आप इस तरीके से टैक्सेस निचोड़ करके कहते हैं अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो हो सकता है आपके आंकड़े के हिसाब से अच्छी हो, लेकिन मैं आम आदमी की नजर से अगर देखूंगा तो आम आदमी की नजर से अर्थव्यवस्था तब अच्छी कहलाएगी जब मेरी इनकम और मेरे खर्चे का रेशियो बराबर हो, मेरी इनकम से ज्यादा मेरा खर्चा ना होने पाए, मुझे महीना चलाने में दिक्कत आने लगे। जी 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 भाई, विकास भाई आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे तकी भाई की बात पर। जी जी हाँ, तकी भाई अभी जब स्टेटमेंट दे रहे थे तो इन्होंने एक वक्तव्य बोला था जिसपे केसी साहब ने बोला भी जी, केसी भाई अभी कि भाजपा के तर्ज पे ही अब हम उनको पटकनी देना चाहते हैं जी। मैं पूछना चाहता हूँ तकी साहब से, अभी जब मैंने आपसे बोला कि भाई अचानक से उनको शायद याद आ गया कि वो सनातनी है, तो आपने कहा जन्म से सनातनी है। साहब अगर जन्म से सनातनी थे तो सनातन के लिए आज तक कोई भी वक्तव्य उनका ऐसा नहीं आया, हमेशा विरोध में आया। नोटबंदी जब हुई थी तो उनको बड़े दर्द हुआ था जी, लेकिन आज वो इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, अगर नोट फिर से बदले जाएंगे तो क्या फिर तकलीफ ऐसी नहीं होगी जी? क्या उसमें आपको फिर से वो एक्स्ट्रा खर्चे और ये सब परेशानी नहीं जर आती? क्यों? क्योंकि इस समय आपका स्टेटमेंट आया जी, आप स्टेटमेंट दे रहे हो सब सही जी। और सनातन के लिए अगर आप कार्य करना चाहते तो मैंने अभी इससे पहले भी कहा, आप बताइए कितने स्कूल में आपने हमारे ग्रंथ उपनिषद के कुछ भी पाठ्यक्रम में जोड़ा? कुछ जोड़ा गया आज तक? नहीं जोड़ा गया। श्री रामचंद्र जी के बारे में कोई अध्याय है किताबों में आज की डेट में? हम कह रहे दिल्ली की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल जी ने बोला है ना दिल्ली में है समय मुख्यमंत्री, क्या दिल्ली के पाठ्यक्रम में है? जी। राम जी के बारे में पढ़ाया जाता है, कृष्ण जी के बारे में पढ़ाया जाता है। आज अचानक से आपकी आस्था जाग गई और फिर आप कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट नहीं है ये, तो हम राहु काल को हटाने के लिए कर रहे हैं। साहब मानते रहे राहु काल, मानने तो लगे राहु काल, राहु काल को मानने लगे, अच्छी बात है कि आप भाई राहु काल को मानने लगे, लक्ष्मी जी को आशीर्वाद को मानने लगे, गणेश जी के आशीर्वाद को मानने लगे। हम तो पूरे भारत भाई इसी आस्था पे ही चलता है जी। हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है गणेश स्तुति से ही शुरू करते हैं क्योंकि शुभ माने जाते हैं, शुभ के देवता है जी, लक्ष्मी जी लाभ की देवी है जी। लेकिन सिर्फ इस समय पे ऐसी बातें सुबह नहीं देती हैं, और भी ये कह के कि अगर उनको हम नोटों पे उनकी प्रतिमा लगा देंगे, उनको चित्र छाप देंगे तो उससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी।
अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आप पूरी सनातन संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करें और उस तरीके से चलाएं, अपने पाठ्यक्रम में कम से कम सनातन संस्कृति जोड़ने का प्रयास करें। जवाब ले, जवाब ले। विकास मिश्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने सारे नोटों को बदलने की बात नहीं करी है, नोटबंदी की बात नहीं की जी। उन्होंने कहा कुछ नोटों में, बहुत सरकार नोट रिलीज करती है, उस नोटों के अंदर कुछ फोटोग्राफ लाती है, उन्होंने कुछ नोटों के हर जो है भगवान गणेश का, भगवान लक्ष्मी जी की फोटो डाली जाए। दूसरी रही बात पाठ्यक्रम में, जितने भी पाठ्यक्रम के भी सिलेबस हैं, जहां प्रारंभिक रूप में हिंदी पढ़ाया जाता है, जहां साहित्य पढ़ाया जाता है, वहां धर्म की बात तो हमेशा पढ़ाई जाती है। अच्छा। और हमने हमेशा धर्म पढ़ा है, हर स्कूल में धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। जी। दूसरी बात, एक इतना अलौकिक ये चित्र है जिसके ऊपर, नोट के ऊपर भगवान आपने लक्ष्मी माता जी की फोटो लगी हुई है, गणेश की तस्वीर लगी हुई है, कितना अलौकिक ये दृश्य है। और जब लोगों को नोट बनवाला है, जो लोगों को पे जब नोट या लोगों के आएगा तो हर आदमी इस नोट को छुएगा, अपने दिल से लगाएगा और इस नोट का सम्मान करेगा। अच्छा। इस नोट से उसके शोभा बढ़ेगी और पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा भाई साहब, तो हर आदमी को जब पैसा बढ़ेगा तो खुशी होगी। बीजेपी को बताने की खुशी नहीं हो रही है, बीजेपी कह दे की हमें नहीं लगाना, कह दे की हमें नहीं लगाना। हिंदू जो है आकर्षित हो जाएगा। अच्छा, मैं क्या करूं, मैं बताता हूं। अच्छा, अभी अभी असर कैसे नहीं करती, आप कह रहे हैं कि कुछ नोटों पर भारत में हिंदू को चलाना चाहते हैं, उससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अगर कुछ नोटों, अगर कुछ नोटों पर हम चित्र लगा देते हैं तो क्या ये बचकाने सवाल नहीं लगता कि भारत के अंदर 3-4 तरीके के नोट चलने लगेंगे? वो पुराने नोट, पुराने नोट, अरे सिक्के चल रहे, नोट एक ही है, तब तो महात्मा गांधी फोटो लगी भाई, कौन से नोट चल रहा है भाई? भाई सिक्के चलते अलग और नोट एक ही है। वैल्यू है, वैल्यू अलग होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने जो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। तीन तरीके के चित्र वाली नोट आप बता दीजिए कौन सी चल रही है। बात कर रहा बीजेपी, स्पष्ट करे गौरव जी, देखिए मैं तो ये कैसे भाई भारत के नोटों के ऊपर जो पार्टी लगातार हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का अपमान करती रही, आज अगर वो पार्टी जागी है, उसके मुखिया अगर जागे हैं हिंदुत्व को लेकर के, तो उनका स्वागत है। लेकिन उनके दो उद्देश्य थे और एक उद्देश्य तो हमें लगता है उनका सफल हो गया कि टीवी डिबेट में उनकी चर्चा हो और मीडिया में उनकी चर्चा हो, राजनीति में उनकी चर्चा हो, उन्होंने इस तरीके का एक राजनीतिक बयान दिया, इसमें वो सफल हो गए। और दूसरा बयान उनका, दूसरा उनका ये कारण रहा कि वो जो पटकनी देना चाहते हैं वास्तव में हिंदुत्व को, और जो उन्होंने पटकनी दी है, जो बात भी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे, इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में परेशान है। अगर कोई आम आदमी पार्टी किस प्रकार से जनता इनको कैसे पटकनी देगी, हिंदुत्व इनको कैसे पटकनी देगा, ये आगे आने वाला चुनाव
जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर देखा कि चर्चा का विषय तो यहाँ पर हालांकि ये था कि चुनावी स्टंट है या वास्तव में वो चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे आस्था के माध्यम से, पर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यहाँ पर आस्था से काम नहीं चलने वाला है। जैसा कि दिलीप भाई ने बोला कि यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए तमाम तरह की नीति बनानी पड़ेगी। खैर, चुनावी समय है और चुनावी समय में इस तरह के बयान आम हैं, क्योंकि हमारे देश में बयानबाजी का दौर वो लगातार चलता रहता है, सरगर्मियाँ बनी रहती हैं, पर यहाँ पर केवल बयानबाजी के माध्यम से हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करें या हिंदू वोट लेने का प्रयास करें। जनता जनार्दन है, वो जानती है इसको किसको वोट देना है। बयान चलते रहेंगे, राजनीति चलती रहेगी और जनता अपना प्रतिनिधि चुनती रहेगी, अपनी सरकार चुनती रहेगी। आने वाले समय में भी किसकी सरकार बनेगी गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, ये वक्त बताएगा, पर ये राजनीतिक दौर जो आतिशबाजी का दौर है जारी रहेगा और जो अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में प्रयास करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे वैज्ञानिक और आर्थिक उदारवादी, तभी देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। नहीं तो केवल केवल फोटो लगाने से अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं किया जा सकता है। चुनावी स्टंट मान लें या चोट मान लें या वोट पर एक नीति मान लें, फिलहाल केजरीवाल के बयान से सरगर्मी जारी है और आने वाले समय में इस तरह के तमाम बयान और भी सुनने मिलेंगे, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र की खूबसूरती में एक बात और भी है कि यहाँ पर बयानबाजी भी चलती रहती है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जनसी नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।